हरियाणा की उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों व कर्मचारियों को सस्ते व सुलभ इलाज के लिए 5 ईएसआई अस्पताल बनाए जाएंगे और गुरुग्राम के मौजूदा अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। यही नहीं, 2 ईएसआई डिस्पेंसरी के भवनों का निर्माण भी किया जाएगा और प्रदेश में ईएसआई भवनों में चल रहे ईएसआई अस्पतालों व डिस्पेंसरियों की आवश्यकता अनुसार मरम्मत की जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को ईएसआई व श्रम विभाग के विभिन्न मुद्दों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इन दोनों विभागों के जो मुद्दे केंद्र सरकार से लंबित पड़े हैं, उन पर भी इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त सभी मुद्दों का अनुशीलन करके जल्द से जल्द स्वीकृति करवाई जाए ताकि प्रदेश के मजदूरों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बैठक में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीएस कुंडू, श्रम आयुक्त पंकज अग्रवाल, निदेशक डॉक्टर अनिल मलिक, संयुक्त आयुक्त परमजीत सिंह भी उपस्थित रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ने बताया कि झज्जर के बहादुरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों को इलाज के लिए 100 बेड का ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं रेवाड़ी जिले के बावल क्षेत्र में भी काफी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनमें हजारों मजदूर काम करते हैं। इसी को देखते हुए आईएमटी बावल में भी 100 बेड का ईएसआई अस्पताल बनाया जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम ने बताया कि सोनीपत जिला में भी उद्योगों की अधिकता को देखते हुए उनमें काम करने वाले मजदूरों के इलाज के लिए सोनीपत के गांव बड़ी और राई में भी ईएसआई डिस्पेंसरी के भवनों का निर्माण किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ ईएसआई अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में मरम्मत की डिमांड आई है, ऐसे में ये सभी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से स्वीकृत करवाकर जल्द से जल्द सिरे चढ़ाने के लिए आज अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सोनीपत, हिसार और रोहतक में 100-100 बेड का एक एक नया ईएसआई अस्पताल भी बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को जमीन तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।